इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। किसी भी कार्य को होने और न होने में अनेक कारण होते हैं। जो किसी को बाजार से सामान लाने भेज दीजिए, उसका चेहरा देखिए, लाओ साधन, अरे सिंगारहाट पैदल चले जाओ, पैदल यही है, वो है। अब रास्ता भरो मंत्र वाचन करते जाएगा, आपने जिसलिए भेजा है वो तो उसको मिलेगा नहीं, क्योंकि पहले से तय कर लिया है, हम जाके ही बताएंगे दुकान बंद थी, तय कर लिया है। आपने कहा चलो मेरे साथ मैं लेके चलता हूं, तभी वो तकनीक बताएगा, थोड़ी दूर जाएगा कहेगा बहुत धूप है, पैदल गए थे ना, तबीयत खराब है, आप जाके ले आओ। अब वो अपनी बात को सिद्ध करने में लग जाएगा कि हम जो कहे हैं वही सत्य माना जाएगा। रात को मिलेंगे तब तक क्रोध कम हो जाएगा इनका, अभी तो कैसे पिन छुड़ाओ। हर व्यक्ति अपने द्वारा किए गए गलती के लिए अनेक मंत्र विचारता है कि हम इसको कैसे सिद्ध करें कि हम ही सत्य हैं। बस सब इसी में लगे रहते हैं। हम हमारी बात को पक्का मानते हैं। बाबा ने कहा ना, तदपि संत मुनि वेद पुराना जस कछु कहें स्वमत अनुमाना, जैसी मति मेरी जैसा मैंने सुना, मेरे अनुसार क्या कारण है अब मैं आपको वो बताता हूं। बाबा ने बताना शुरू किया, चौपाइया सब गाइए। जब जब हो ये धर्म के हानि, जब जब हो समुझ परई जस कारण मोही। क्या जब जब अधर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म बढ़ता है धर्म की हानि होती है, तब तब भगवान के भक्तों को असुर लोग त्रास देते हैं। जब जब हो ही धर्म कहे, अधर्म की अभिवृद्धि दिखती है, धर्म की हानि अधर्मियों द्वारा की जाती है, तब तब भगवान नाना विधि शरीर धारण करके, तब तब प्रभु धरी विविध
विविध शरीरा करते क्या है तो हर ही कृपा निधि सज्जन। देखिए अभी निवेदन किया मैंने, भगवान असज्जनों के लिए नहीं आते, असंतों के लिए नहीं आते। भगवान तो कहते हैं असंतों से तीन हाथ की दूरी रखो, इनकर संग सदा दुखदाई, जिम कपिले घारे हरहाई। प्रभु ने कहा उत्तरकांड में भाई लोगों को सुनाते हुए कथा प्रसंग में, जब भरत भैया ने प्रश्न किया है, सुनो वसंतन केर स्वभाव भूले हु संगति करिय नकाऊ। असंतों का असज्जनों का भूल के भी संगत नहीं करना चाहिए, क्यों? इनकी संगति में दुख है, दुख है। जहां रहेंगे केवल त्रास देंगे, उत्पात पैदा करेंगे, इसलिए बचे रहिए, डरते रहिए, तो निपटा देंगे, पता भी नहीं चलने देंगे। भगवान आते हैं करते क्या है, असुर मारी थाप ही सुरन राख ही निज सत से, जग विस्तार ही विषय जस यही राम जनम कर। असुरों को मारते हैं प्रभु, देव स्थापना करते हैं, देवताओं का स्थापन करते हैं। अपने वेद के पुल का रक्षण करते हैं, राकही निज श्रुति सेतु। वेद अपौरुषे हैं, भगवान के वचन हैं, उनके द्वारा जो पुल बना है समाज को पार जाने के लिए संसार समुद्र से, उसका रक्षण परमात्मा करते हैं। देखिए किसी भी सिद्धांत को कहना और रहना पालन करना बहुत कठिन है, नियम बनाना सरल है, नियम बनाकर उसका स्वयं पालन करना बहुत कठिन है। पूरे देश में एक संस्था है उपनिबंधक चीट फंड सोसाइटीज, 1960 में स्थापन हुआ, उनको सहकारी समितियां उसी के अंतर्गत रजिस्टर्ड होकर चलती हैं। बड़ा सुंदर नियम है, एक रजिस्ट्रार हमारे मित्र हैं बता रहे थे कि महाराज श्री हम लोगों का कोई काम नहीं है, हम लोगों के पास जो नियमावली लेकर लोग आते हैं उसको हम लोग मोहर लगा के केवल रजिस्टर्ड कर देते हैं और कहते हैं आप लोग इसका पालन करिए, समझे। सोसाइटी रजिस्ट्रार का क्या काम है, आपके द्वारा ही बनाई गई नियमावली को आपसे ही पालन करवाना और आपके द्वारा बनाई गई नियमावली के पालन में आप ही खड़े नहीं उतरते हैं, प्रणाम सहित उसके मुकदमे चलते ही रहते हैं। नियम किसने बनाया, आपने, अधिकारी ने क्या किया, मोहर लगवा दिया, ले जाओ इसका पालन करना। अपने द्वारा बनाए नियम ही जीव पालन नहीं करता, परमात्मा क्या करते हैं, श्रुति सेतु पालक राम। महर्षि जी ने कहा भगवान जो पुल स्वयं बनाए हैं प्रभु रामावतार में उसका पालन किए। आप कहें कृष्णावतार में भगवान ने पालन क्यों नहीं किया, परमात्मा कृष्णावतार में भी अपने श्रुति सेतु का पालन किए, परंतु जब कोई उत्पाती व्यक्ति आ जाए तो उत्पाती व्यक्ति को बहुत समझाने से वो नहीं समझेगा, सठे साठ्यम सम आचरे, तो उसको उसकी भाषा में ही जवाब देना पड़ता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बहुत समझौता कराते कराते, शांति वार्ता का व्यवस्था कराते कराते जब नहीं माने कौरव, तो भगवान ने कहा इनको लगता है कि अब विदाई ही इनकी अंतिम यात्रा की अच्छी रहेगी। भगवान ने सबको विदा कर दिया, धर्म स्थापना, क्यों कहते हैं ना धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे भगवान यावि, असुर मारि थापहि सुरन राकहि निज श्रुति से, जग विस्तारहि विषय जसु यहि राम जन करे। सोई जस गाई भगत भवतर, सोई जस गाई भगत भवतर, कृप
अनेक हेतु है राम जन्म कर हेतु अनेका और परम विचित्र एक ते एका। एक दो को बखान के कहूंगा और कुछ को संक्षेप में कहूंगा। मेरे बाबा ने माँ को भगवान के अवतार के पांच कारण सुनाए। पहला, जय विजय को सनकादिक ऋषियों का शाप, तीन जन्म असुर शरीर धारण किए, हिरणाक्ष हिरणाकश्यपु रावण कुंभकर्ण इनका, तीन जन्म शिशुपाल दंतवक्र सतयुग त्रेता द्वापर एक कारण भगवान ने इनको मारा। मुकुतन भय हते भगवाना, तीन जन्म द्विज बचन प्रवाना। जालंधर की कथा है, उनकी महासती देवी वृंदा के पतिव्रत धर्म का कवच धारण करके और जालंधर ने बड़ा उत्पात मचाया। भगवान विष्णु ने अर्धांगिनी का उनके शील भंग किया, देवी ने श्राप दिया, भगवान ने उनको तुलसी का विरवा होने का वचन दिया। वृंदा सती के श्राप से भगवान गंडकी नदी में शालक ग्राम शिला हो गए। दो कारण, जालंधर रावण हुआ, भगवान ने कश्यप अतिथि जी के पुत्र राम स्वरूप में आकर इनको गति प्रदान की। तीसरा कारण बड़ा अटपटा है, बाबा कहते हैं नारद श्राप दीन एक बारा कलप एक लगी अब गिरिजा चकी तभी सोनी बानी नारद वेश भगत कुनी ज्ञान कारण कवन साप मुनि बिली काय अपराधर्म यह प्रसंग मुहि कहो मुनि मन मोह आचर्य नारद जी ने श्राप दिया। बाबा ने जैसे कहा तो माई बोली
कि भगवान श्री हरि ने क्या अपराध किया। काय अपराध रमा अते की, रमापति ने क्या अपराध किया। नारद जी को श्राप देना पड़ा, क्योंकि नारद जी भवानी मैया के गुरु जी हैं, गुरु जी अपराध नहीं करते। भगवान ने कुछ खटपट किया होगा, ये मां की श्रद्धा है। नारद जी ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया होगा, भगवान ने कुछ खटपट किया होगा। देखिए चौपाई, कायप रमापति की। देवर्षि महाराज मुनि देव के मन में भी मोह उत्पन्न हुआ, जरूर कोई कारण होगा। और यह प्रसंग मुझे सुनाइए, बाबा ने मां को यह प्रसंग सुनाया। इस प्रसंग को हम आपको अब कल की कथा में सुनाएंगे। आज की वेला विश्राम लेती है। सभी हमारे प्रेमियों को, स्वजनों को, स्नेहियों को, परिवारीजनों को, मित्रों को, सखा मंडली को और सारे यूट्यूबर जितने सब्सक्राइबर हैं सबको, फेसबुक पर बैठे सभी मित्रों को, भाविक जनों को बहुत बहुत साधुवाद। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।